हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉय टैक पे। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एटीएम बैंक का। बच्चों के लिए बहुत सुंदर प्रोडक्ट है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस प्रोडक्ट को। इसकी बड़ी डिमांडिंग प्रोडक्ट है ये। पहले जैसे पिगी बैंक यूज़ करते हैं बच्चे, उसी तरह से ये एटीएम वर्जन है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। जैसे हम खुद एटीएम यूज़ करते हैं, वैसे बच्चों के लिए ये एटीएम बैंक बनाया गया है। बहुत सुंदर लाजवाब प्रोडक्ट है और मिनियन कार्टून कैरेक्टर के साथ है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी लाइक कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। एक हमने इसको बॉक्स को ओपन कर दिया है। इसके अंदर से सिंगल प्रोडक्ट है ये एटीएम। एटीएम जैसे आप दिखाई दे रहा है आपको, कितना सुंदर येलो कलर में है और मिनियंस भी इसके ऊपर बना हुआ, मिनियंस की पूरी टीम इसके ऊपर है। कितना सुंदर छोटा सा एटीएम है। यहाँ से हम कॉइन डाल सकते हैं, यहाँ से हम नोट डाल सकते हैं। ये बैटरी ऑपरेटेड है। इसमें पहले हम सबसे पहले बैटरी इंस्टॉल करेंगे। इसमें बैटरी 3 यूज़ होती हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें 3 बैटरी इंस्टॉल कर दी है। अब इंस्टॉल करने के बाद हम इसको लॉक करते हैं और आगे इसको इंस्टॉलेशन देखते हैं किस तरह से ये चलता है। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं, ये एटीएम मशीन अब इंस्टॉल हो चुकी है। इसमें बैटरी हमने इंस्टॉल कर दी है और इसको जैसे पासवर्ड दिए गए हैं यहाँ से न्यूमेरिकल, अब हम इसको पासवर्ड जैसे दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यदि हम इसमें रॉन्ग पासवर्ड देंगे, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं आइडियल 4 times 2 करता हूँ, 1 2 3 4। ये देखिए, ये रॉन्ग पासवर्ड का सिग्नल है। मैं दूसरी बार रॉन्ग पासवर्ड लगाता हूँ, ये देखिए, जब ये राइट पासवर्ड होगा तो ये अपने आप ओपन होगा। वो मैं दिखाता हूँ, कंपनी की तरफ से जो इसका पासवर्ड सेट आता है वो है 4 times 0। तो इसके ऊपर पूरी डिटेल आप बॉक्स के ऊपर देख सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ओपन करके देखते हैं राइट पासवर्ड के साथ। अब देखो, राइट पासवर्ड से ये इसकी लाइट ओपन होती है और इस तरह से ही ओपन हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको ओपन कर सकते हैं। रॉन्ग पासवर्ड डालते ही ये ओपन नहीं होगा। तो ये इस तरह से अब लॉक हो गया है। अब इसको ये देखिए, नहीं, अब ये नहीं खुलेगा, पासवर्ड लग चुका है। अब पासवर्ड के साथ ही ओपन हो पाएगा। तो मैं इसमें अभी मनी डाल के दिखाता हूँ आपको किस तरह से इसमें पैसे हम डाल सकते हैं। मैं कॉइन डालना चाहूँगा, यहाँ से एक ये कॉइन का स्पेस दिया गया है, यहाँ हम कॉइन डाल सकते हैं। आप आवाज़ सुन सकते हैं, इसके अंदर कॉइन जा चुका है। तो मैं इसमें कुछ नोट डालना चाहूँगा, कैसे डालते हैं ये देखिए। जैसे एटीएम मशीन में आवाज़ आती है वैसे ही इसमें आती है, बिल्कुल अपने आप ये नोट अंदर लेके जा रहा है। तो मैं आपको और डाल के दिखाता हूँ इसमें, ये देखिए, ये देखिए, ये फिर कितना स्मूथली लेके जा रहा है। तो मैं इसको और आपको एक बार ट्रायल करके दिखाता हूँ, ये देखिए कितना इजी से ये अपने आप एटीएम यूज़ करता है और ये इसके अंदर अब जा चुका है। अब हम इसको कोई नहीं ओपन कर सकता जब तक हमारे पास इसका पासवर्ड नहीं है। तो अब हम इसका राइट पासवर्ड लगा के इसको ओपन कर सकते हैं। पहले मैं आपका एक बार और ट्राई करता हूँ। अब ये देखिए, रॉन्ग पासवर्ड से ये इस तरह का बीप करता है और राइट पासवर्ड से ये क्या करेगा, इस तरह से। हम लोड कर चुके हैं, इसमें कुछ नोट्स हम डाल के आपको दिखा चुके हैं। तो अभी इसको ओपन करने वाले हैं। अब मैंने को इसका राइट पासवर्ड डाल दिया है, ये देखिए, इस तरह का साइन आता ही मैं इसको ओपन करूँगा। मैंने इसको ओपन कर दिया है। अब जो मैंने इसमें नोट डाले हैं वो मैं इसको निकाल सकता हूँ। इसमें आप कॉइन भी देख सकते हैं ये इस तरह से। और इसमें एक जो एक फंक्शन और भी है, जैसे इसमें यहाँ पे ऑन ऑफ वॉइस एंड साउंड का सिस्टम दिया गया है, ये देखिए। तो हम इसको ऑफ़ कर, इसको मैं अभी वॉइस पे लगाने वाला हूँ। जैसे आप ये देखें, इसको मैंने वॉइस पे कर दिया, तो इसको लॉक कर दिया। तो अभी इसका साउंड चेंज हो जाएगा। जैसे सॉरी, ये लॉक नहीं हुआ, तभी ये बीप कर रहा है। अब ये प्रॉपर लॉक है तो ये साइलेंट रहेगा। जब इसका लॉक खुला रहेगा तो इस तरह से साइलेंट करेगा, जैसे एटीएम तोड़ा गया हो किसी द्वारा। अब ये देखिए, मैं इसको पासवर्ड लगाता हूँ। अब इसकी वॉइस चेंज हो गई है, पहले वॉइस इसकी कुछ आ रही थी, अब ये पासवर्ड मांग रहा है। मैंने 4 बार दबाया, अब वो अपने आप ये ओपन हो गया है। वैसे ही ओपन हो जाता है। अब इसमें दोबारा नोट के एक बार डाल के दिखा सकता हूँ आपको, सारी फंक्शन इसमें वैसे ही रहेंगे। ये देखिए, जैसे ओरिजिनल एटीएम मशीन में जाते हैं वैसे इसमें भी इस तरह से ये मशीन अपने आप ये ले रही है। काउंटिंग के बाद भी इसमें प्रॉपर एटीएम मशीन की तरह ही आ रही है। अब इसको मैं ओपन दोबारा करके दिखाता हूँ, क्योंकि पहले उसकी वॉइस अलग थी, बीप आ रहा था, इसमें अब प्रॉपर वॉइस आ रही है। मैंने
मैंने इसको ओपन कर दिया है। जो मैंने नोट्स कुछ इसमें डाले थे वो सारे नोट वापस मुझे मिल चुके हैं। अब मैं इसको वापस लॉक कर देता हूँ। अभी लॉक हो गया। काफ़ी बेहतरीन और अच्छा प्रोडक्ट। आपको कैसा लगा ये एटीएम बैंक प्रोडक्ट? बच्चों के लिए बेहतरीन, मिनियंस के साथ था। और इसका कमेंट जरूर आप लिखिएगा कैसे आपको ये प्रोडक्ट लगा और इसमें आप क्या क्या चाहते हैं। इसके साथ की कोई भी इंक्वायरी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।